नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप लैंड सिटी नो है तो उसे आप सिर्फ 5 मिनट में एक्ट कर सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी पीएम किसान का वेबसाइट है कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो भी डेटा आप उसमें अपलोड करेंगे वो 15 दिनों के बाद आपको कम्प्लीट दिखाई देते हैं। यानी कि जो भी आपने डेटा को वहाँ पे अपलोड किया है वह साथ साथ ही रिजल्ट नहीं मिलता है, उसे रिजल्ट मिलने के लिए कम से कम 15 दिन का इंतजार हमें करना पड़ता है। जब हम 15 दिन का इंतजार करते हैं इसके बाद हमारे वेबसाइट में वहाँ पे रिजल्ट दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर आपके अकाउंट में आधार लिंक नहीं है तो भी वहाँ पे नो दिखाता है। जैसे ही आप जाकर के बैंक में वहाँ पे आधार लिंक करते हैं इसके बाद 15 दिन के बाद हमें वेबसाइट में अपडेट करके दिखाता है कि आपका आधार जो कि बैंक से लिंक है यानी सीडिंग हो चुका है, तो वहाँ पे आपका यस हो जाएगा। अब बात करते हैं लैंड सीडिंग का, आप कैसे 5 मिनट में कर सकते हैं। 5 मिनट में करने का तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं लेकिन अपडेट नहीं होगा। 5 मिनट में ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए आपको कम से कम 15 से 20 दिन या महीने दिन का समय लग सकता है। आपको जो भी लैंड सीडिंग का प्रॉब्लम है उसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन करेंगे तो वो बेटर होगा ऑनलाइन से, क्योंकि जो भी आप ऑफलाइन के माध्यम से काम करेंगे वो सीधे ऑफिस में जाएंगे और ऑफिस में सीधे अपलोड करवा लेंगे ताकि आसानी से उसे वहाँ पे वेबसाइट में अपलोड होने में प्रॉब्लम ना हो और वो काम थोड़ा जल्दी होता है, फास्ट होता है। अब बात करते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन से भी आप कर सकते हैं लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि वो आपका आवेदन अस्वीकार कर रहे हैं, यानी कि आप प्रत्येक बार ऑफिस जा रहे हैं, ब्लॉक जा रहे हैं, सीओ ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं और काटते काटते थक चुके हैं, तो आप उसके लिए कंप्लेन डाल सकते हैं और कंप्लेन डाल करके उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये हमारा लैंड सीडिंग को यस करवा दीजिए। यानी वही काम को अगर घोरा फिरा के बात बोले, अगर इस काम को हमें पकड़ना है तो सीधा नहीं पकड़ना बल्कि इधर से घुमा करके इसे से कैसे पकड़ना है, ठीक है। तो ये हाल होता है हमारा ऑनलाइन में, और जो ऑफलाइन है वो डायरेक्ट हमारा ऑफिस जाता है, ऑफिस में सारा कुछ काम कंप्लीट हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ऑफलाइन में जैसे आप ऑफिस जाते हैं तो हमें वहाँ पे सीओ मिलते ही नहीं है, या फिर जो भी ऑपरेटर होते हैं वो नहीं मिलते हैं, या फिर पैसे की बात करते हैं, अगर पैसे देते हैं तो काम करेंगे, अगर पैसे नहीं देते हैं तो काम नहीं होगा। तो क्या करना है आपको, आपको दोनों काम करना है, ऑफलाइन में भी दे दीजिए ऑफिस में और आप ऑनलाइन भी करके छोड़ दीजिए, तो 1 महीने के अंदर में आपका लैंड सीडिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप ऑफलाइन के माध्यम से करना चाहते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। लैंड सीडिंग नो है उसे आप यस करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपका पीएम किसान का स्टेटस दिखाई दे रहा है उसे आप पहले प्रिंट कर लें, एक पेज में उसे प्रिंट कर लेना है। और प्रिंट करने के बाद जो भी आपका जमीन का रसीद है उस रसीद को प्रिंट कर लेना है, वो दूसरा कॉपी आपका होगा। इसके बाद उस जमीन का कोई भी एक प्लॉट नंबर लिख लेना है और प्लॉट नंबर लिखने के बाद एक आवेदन बनाना है जो कि आपको अंचलाधिकारी यानी सीओ को आवेदन देना है और उसके उसी में लिखना है कि सेवा में श्रीमान अंचला अधिकारी, विषय में आपको देना है कि पीएम किसान का पैसा नहीं मिलने के संबंध में। महाशय सभी निवेदन यह है कि मैं जो भी किसान का नाम है वो आप नाम लिखिए, इसके बाद मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और इसके बाद जो भी एड्रेस है आपका वो एड्रेस बताएं, वहाँ पे पूरा फिल करें और इसके बाद हमारा जो भी पीएम किसान का पैसा पहले इतना किस्त मिल चुका है और अभी बंद हो चुका है, बंद होने का कारण लैंड सीडिंग नो दिखाई दे रहा है। अतः श्रीमान से आग्रह है कि हमारा लैंड सीडिंग यस करने का कृपा प्रदान करें या उसे जोड़ने का प्रदान करें, इसके लिए मैं आपका सदा सदा के लिए आभारी बना रहूंगा। कुछ इस तरह से आपको आवेदन लिखना है और उसे सीओ के पास जमा कर देना है। अगर आप ऑनलाइन से करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा कि ऑनलाइन के माध्यम से आप किस तरह से उसे यस करवा सकते हैं, या फिर आई के आइकन पे भी, इस वीडियो के आई आइकन पे भी आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन आप इसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन में क्या कम्प्लीट होगा या नहीं होगा। तो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस के अनुसार मैं बताता हूँ, मैंने भी जितने भी लोगों का ऑनलाइन किया है अभी तक किसी का कंप्लीट नहीं हुआ है।
और जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे और ऑफलाइन से बात करें तो अभी हमने बहुत ऐसे किसानों का है जिसका नो था वो अभी यस दिखाई दे रहा है, यानी ऑफलाइन के माध्यम से सारी चीजें काम हो रही है और ऑनलाइन से अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे ही कंप्लीट होगा आने वाले वीडियो में आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक और नए अंदाज में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।